right? The most used plugin. The most used plugin in WordPress. तो जो plugin WordPress में बहुत ज़्यादा use होते हैं, वो आपको बताएँ। तो पहला plugin जो मैंने आपको बताया है, जिसे Elementor, ठीक है? दूसरा plugin आपने शायद Smart Spider बताया क्या मैंने आपको? नहीं। Smart Spider. Smart Spider 3. तीसरा plugin है आपका Happy Add-ons, ये शायद मैंने बताया था लास्ट टाइम। Happy Add-ons और Elementor, जो Elementor के अंदर आपको और ज़्यादा विजिट्स देते हो, और Happy Add-ons, फिर आपका Master Add-ons। Add-ons का नाम है क्या? Happy Add-ons मतलब ये क्या क्या करते हैं, आपके Elementor के अंदर ऐड हो जाते हैं और वापस से वहाँ पे जैसे Elementor के अंदर बहुत सारे विजिट्स आते हैं ना वहाँ पे, तो ये उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन कर देते हैं, तो ये मास्टर एड-ऑन्स का ऐड हो जाता है थोड़ा एक्स्ट्रा। उसके बाद तुम्हारा एक चैटी करके जो तुम्हारा नॉर्मली चैट्स के लिए काम आता है तुम्हारी वेबसाइट पर, तुम अपनी वेबसाइट पर अगर नॉर्मली तो बोर्ड्स वाला चैट रखना चाहते हो तो एक प्रोडक्ट करके है, ये सब ये दोनों चैट्स के लिए, जो तुम्हारा नॉर्मल व्हाट्सएप पर कॉलिंग या व्हाट्सएप का भी लगाना है तो उसके लिए लगा सकते हो, और ये तुम्हारा लिए नॉर्मल बोर्ड चैट्स वेबसाइट पर जाकर बोर्ड्स आते हैं ना आपको, बोर्ड चैट्स उस टाइप का है। फिर तुम्हारा वू कॉमर्स करके एक है, वो तुम्हारा प्रोडक्ट्स ऐड के लिए बनता है, प्रोडक्ट्स ऐड्स ये प्रोडक्ट अगर ऐड करना है उसके लिए बनता है। एक नंबर पे तुम्हारा ये अभी तक नहीं मुझे आ रहा है, तो फिलहाल अगर तुम अभी यहाँ देखोगे, अभी मैंने वेबसाइट पर आज ही इनको बताया, तो देखो यहाँ पे साइड में एक प्लगइन आ रहा है जिसमें कि आप चैट्स कर सकते हो, ठीक है? अगर व्हाट्सएप का चैट से बनाओ तो ये आपको वो चैटी वाला प्लगइन जो मैंने आपको बताया ये वाला चैटी, तो ये प्लगइन को भी आपको इंस्टॉल करना होगा, साइड लिंक में जाके और प्लगइन सेक्शन में आप बोल सकते हो चैट आपको यहाँ मिल जाएगा, तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे ये वाला मुश्किल मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसको मुझे आपके ऊपर डाउनलोड भी और इसको मैंने यूज़ किया तो मैं इससे थोड़ा फ्रेंड हूँ, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बोला कि स्मार्ट स्लाइडर, अभी स्मार्ट स्लाइडर क्या करता है मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि आप अपने वर्डप्रेस पे गए और आप अपने पेजेस पे गए, ठीक है? अब पेजेस पे जाके क्या सीन हो रहा है कि जैसे मेरा एक होम पेज है, तो होम पेज को मैं Elementor करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे ना होम पेज पे नॉर्मली क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला जो इमेज होता है वो कभी भी स्लाइडर होता है, राइट? स्लाइडिंग वाला होता है जिसमें मल्टीपल फोटोज होते हैं, राइट? हाँ। तो अभी मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन कब मिलेगा, Elementor में आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इमेज ब्राउजर चूज करना पड़ेगा, बट उसमें भी बहुत टाइम ऐसा है कि आपको मल्टीपल ऐसा ऑटोमेटेड चलने वाला या इस टाइप का ब्राउजर नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा अलग से जैसे अभी मुझे समझो कि यहाँ पे ज़्यादा Elementor इंस्टॉल किया, Elementor के सारे प्लगइन आपने इंस्टॉल किए तो कभी कभी ऐसा थोड़ा सा स्लो मो होना था यहाँ पे, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तुमको यहाँ पे एक दो प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके, काफ़ी आराम से ऐसा कुछ करवाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली उसी केस में होता है जब तुम्हारा Elementor बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो तभी लोड होते रहता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो है Elementor एडवांस है उसका चलेगा, थर्टी एडवांस कर रहा हूँ तो शायद ही हो जाएगा, तो फिर मास्टर एडवांस कर रहा हूँ तुम्हारा जो पूरा वर्डप्रेस है वो पूरा प्लगइन का ही गेम है, अगर तुमको अच्छा प्लगइन पता है तो तुम कोई एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो अच्छे वाले, ठीक है? अभी जैसे मैंने यहाँ पर
मैंने ऑफर लिया। अब इस टैब में मुझे ना एक ब्राउजर लगाना है, एक ब्राउजर मतलब उसमें मल्टीपल इवेंट डालूंगा और वो इमेज ऐसे ब्राउजर होनी चाहिए। तो मैंने इमेज उठा के नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा इमेज ब्राउजर, जिससे कि मुझे एक ब्राउजर का फंक्शन मिलेगा। फिर इमेज ब्राउजर लगा दूंगा, अब इसके अंदर मुझे मल्टीपल इवेंट सेलेक्ट करना है। तो जो इमेजेस मेरे अच्छे से साइज के हैं, जैसे आई नो दिस इमेज इन गुड साइज, 1920 पिक्सल का अच्छा साइज है, ये भी एक अच्छा साइज है। कंट्रोल दबा के कंट्रोल जेड करता हूँ, ये सब आ गया है, मुझे सब तो नहीं चाहिए। तो अगर मैं क्लिक ऑन दिस सर्च फॉर इमेज ब्राउजर, इमेज ब्राउजर पर मैं गया करूँगा यहाँ पर, इमेज में जाके इस इमेज ऑल्ट दबा के भी कर सकते हो, ऑल्ट दिस इमेज, ऑल्ट दिस दिस दिस, ठीक है। सबके साइज थोड़े कम है, ऑब्वियसली ये नहीं होगा, ये थोड़ा अच्छा साइज का है, ये अच्छे साइज का है। तो ये चार पांच इमेजेस मैंने ले लिए, और अभी इमेजेस को लेके मैंने यहाँ पे एक ब्राउजर बना लिया। तो अभी तो ये छोटे छोटे इमेजेस दिखेंगे आपको। आप दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि वन इमेज एक टाइम में लिखना चाहिए, तो स्लाइड टू शो वन स्लाइड एट द टाइम, और ये ऐसा छोटा सा आ रहा है उसको ऐसा थंबनेल सा डाल के उसको लार्ज कर दो, जो इसका मैक्सिमम साइज होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल स्लाइड बन गया, बट फिर भी आपको चाहिए कि स्लाइड ऑटोमेटिक स्लाइड करे, इस स्लाइड में थोड़ा एनिमेशन हो, तब वो ऑब्वियसली आपका फुलफिल यहाँ से नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लगइन्स में जाके आपको एक स्मार्ट स्लाइडर करके प्लगइन वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने डाला स्मार्ट स्लाइडर 3, ठीक है, और यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर में जाके आप क्लिक करोगे, प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिव करो, तो प्लगइन आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा मेन्यू में, ठीक है। उसके बाद आप इसके डैशबोर्ड पे जाओ, अभी मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मेरा इससे काम ही नहीं हो रहा, तो मेरा अभी मैं यहाँ पे गया स्मार्ट स्लाइडर पे गया। स्मार्ट स्लाइडर में जाके अगर आपको हेल्प चाहिए तो थोड़ा वीडियो देख सकते हो कि कैसे बनाना, ठीक है। डैशबोर्ड पे गया, और डैशबोर्ड पे जाके मैंने ये बना के क्रिएट किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। अभी बोल रहे हैं कि आपको कैसा स्लाइडर चाहिए, आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स वाला चाहिए कि आप खुद से बनाओगे। मैंने बोला टेम्पलेट्स चाहिए, तो टेम्पलेट्स में आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, सर इधर ही टेम्पलेट है, ये सब स्लाइडर ही है। जो यहाँ पे स्लाइडर का साइन आ रहा है, ये स्लाइडर है, ये भी स्लाइडर है, तो इस स्लाइडर को आप देखना चाहते हो तो ये आपको एक एग्जाम्पल देगा कि इस टाइप का स्लाइडर मिलेगा आपको, जिसको आप स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऐसा चाहिए तो आप ये सीधा उठा के ले लो, अगर आपको खुद से डिजाइन करना है तो फिर आप यहाँ पे आओगे, और यहाँ पे इसको क्लोज करोगे और बोलोगे न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएटिव न्यू प्रोजेक्ट, जिसमें आपको स्लाइडर चाहिए, सिंपल चाहिए, ट्राउजर चाहिए तो थोड़ा शोकेस वाला चाहिए तो और थोड़ा प्रोवर, इसमें भी अपना काम हो जाएगा। इसको नाम दे दो मेन हेडर इमेज ट्राउजर, ठीक है, बस वो क्रिएट कर देगा। अब क्रिएट करने के बाद मुझे पूछेगा कि आपको किस टाइप का स्लाइडर चाहिए, मतलब कैसा वाला स्लाइडर चाहिए। तो मैंने बोला कि मुझे ऐड स्लाइड में मुझे इमेजेस ऐड करना है, तो इमेजेस में जाकर जो भी आपके पास हाई रेजोल्यूशन इमेजेस है वो लगा दो, जैसे ये इमेज ये लगा दिया, ये सेकेंड इमेज चाहिए ये लगा दिया, और हाई रेजोल्यूशन ही डालना क्योंकि फिर वो थोड़ा स्लाइड में जाकर थोड़ा इशू होगा। जैसे ये इमेज है, ये वाला भी अच्छा खासा है, 1280x844 इसका है, और इमेज ले लिया। तो ऐसे आपके पास जितने भी बिजनेस के प्रोडक्ट्स के या जो भी इमेज है वो आप ले लो, ये ले लिया, ठीक है। ये चार पांच इमेजेस लेके मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, तो ये मेरे पास एक क्या है, ब्राउजर सेव हो गया। अभी ब्राउजर मुझे एलिमेंटल में दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, पता है, यहाँ पे नीचे जाओ, हर एक एक्सटर्नल प्लगइन के पास शॉर्ट कोड होता है, शॉर्ट कोड आपका नथिंग बट उसी चीज़ का शॉर्ट कोड होता है जो आपको वहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। और यहाँ पे एलिमेंटर में आगे आपको बोलना है सिंगल स्लाइड, और यहाँ पे आपको बोलना है शॉर्ट कोड, तो शॉर्ट कोड का आगे यहाँ पर ड्रैग करो और उस शॉर्ट कोड का कोड यहाँ पर डाल के आप अपडेट कर दो, और यहाँ पे इसको प्रीव्यू करो। तो अभी जो आपने वहाँ पे जो स्लाइडर बनाया है वो स्लाइडर आपको यहाँ पे लिखना स्टार्ट हो जाएगा,
आगे योग ज्यादा स्टाइल होगा ठीक है, स्क्रीन चाहता है ना ये वाला स्क्रीन से, ये अपना स्टाइल है। तो ये स्लाइडर आप अपने बना के डाल दिया, स्लाइडर अपने को आ गया ठीक है। अब आपने एक बार एलिमेंटर में स्लाइडर डाल दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप एलिमेंटर को हाथ के नहीं लगाना, आप जो भी चेंजेस करने वो इस स्लाइडर स्लाइडर वाले प्लगइन से करना है। जैसे मुझे यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक क्लिक, इसको प्ले करवाना है ऑटोमेटिक ऐसे, तो यहाँ पे जाके इसको ऑटो प्ले ऑन कर दो स्लाइडर का, ऑटो प्ले व्हाट 5000 मिलीसेकंड्स, सो ऑटो प्ले 5000 मिलीसेकंड्स, ये भी को यहाँ पर सेव करो, तो यहाँ पे जो भी सेव करोगे ऑटोमेटिक वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आपको कोड एक बार ही डालना होगा, बाद में यहाँ पे ऑटो हो जाएगा, अभी इस टाइम पर ऑटोमेटिक प्ले होगा। अब अपने 5000 मिली सेकेंड से है ना, उस हिसाब से हो रहा है। अगर आप इसको ऑब्वियसली थोड़ा 100 मिली सेकेंड्स पर रखोगे तो ये कितना फास्ट होगा देखो, 100 मिली सेकेंड्स मतलब ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट होगा, आपको दिखेगा भी नहीं। कितना फास्ट कोई स्लाइडर होता है राइट, तो आप उसको नॉर्मली स्पीड अरेंज कर सकते हो यहाँ पर। तो सारे सेटिंग अब आपको यही करना है, एक बार आपने कोड एलिमेंटर पे डाल दिया उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना, सेटिंग आपको इस प्लगइन में करना है। अभी मुझे क्या चाहिए, 3000 मिली सेकेंड्स करते हैं, उसके साथ मुझे चाहिए कि जब वो स्क्रीन चेंज करे एनिमेशन होना चाहिए, तो वो एनिमेशन बैकग्राउंड में चलना चाहिए, तो बैकग्राउंड में लाइक वो किस टाइप का एनिमेशन होना, तो पजल्स टाइप होना चाहिए, या वो थोड़ा क्रॉस फेड होना चाहिए, या फिर आपको पजल्स क्रॉस फेड जो भी है इस टाइप के ले लीजिए, अप्लाई करके सेव करना, बार बार सेव करना, आप रिफ्रेश करोगे बस लाइन में काम कर लग गया। एडमिशन में ये आपका एलिमेंटर का जो इमेज क्राउज होता है उससे बेटर है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, इवन आप इस टेक्स्ट के बीच में कोई बटन लगाना चाहते हो वो भी यहाँ से लगा सकते हो। आप पर्टिकुलर इस इमेज पर जाओ, इस इमेज पे आपको कोई एक कॉल टू एक्शन बटन लगाना है CTA वो भी लगा सकते हो, इसीलिए आपको इमेज एडिट का ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर बटन का ऑप्शन है, बटन पर क्लिक करके जैसे मैंने दिया कि विजिट वेबसाइट वेबसाइट पर आपको कोई लिंक भी देना है, क्लिकेबल को लिंक दे सकते हो, सेव करो या फिर रिफ्रेश करो, इस पर आप अपने लैपटॉप वाले ना लैपटॉप वाले को देखो भी बता रहा है अब इस पर नहीं है, सेकेंड वाले पर नहीं रहेगा, इस पर भी डाल कर बना सकते हो। और ये बटन का अलाइनमेंट चेंज करना है, यहाँ सर इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से जहाँ भी रखना है प्लेस कर सकते हो, तो फिर इसके बॉर्डर से पकड़ के आपको ऊपर नीचे खींचना है, इस साइड जाना हो इस साइड खींचना है, इसके पीछे से आपको एक ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये इतनी एरिया में ही मूव कर रहा है ऊपर नीचे का, तो मुझे एकदम नेक्स्ट स्टॉप पे चाहिए, नेक्स्ट स्टॉप पे स्क्रीन पे चाहिए। तो ये आपका स्मार्ट स्लाइडर है, जिससे कि आपको लाइक स्लाइडर बनाने में इजी पड़ जाएगा ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपका दूसरा प्लगिन है, जैसे मैं आपका चैटिंग हो रहा हूँ, तो चैटिंग वाला प्लगिन भी आपका सेम होगा, तो ये सारे प्लगिन आपकी वेबसाइट को क्या करेंगे, थोड़ा सा एनहांस कर देंगे आपकी वेबसाइट पर जो फंक्शन है वो लेके आएंगे। अब नॉर्मली मैं ये फंक्शन क्यों रखूँगा, मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरी वेबसाइट पर आ रहा है वो डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकता है, तो उसके लिए मैंने रखा हुआ, तो व्हाट्सअप पर क्लिक करेगा तो सीधा मेरा व्हाट्सअप खुल जाएगा, और कॉल पर क्लिक करेगा मोबाइल पर तो डायरेक्टली कॉल कर जाएगा, बट कॉल पर क्लिक करा तो कॉल कर जाएगा, तो उसके लिए चैटिंग वाला प्लगइन इंस्टॉल करना, और इसमें जाके आप कोई भी दो टूल ले सकते हो, फ्री वाले मॉड्यूल में से दो आप ले सकते हो, मतलब अगर पेड़ है तो यहाँ पर 10 ले सकते हो, जैसे फेसबुक मैसेज इंस्टा मैसेज ये वो सब ले सकते हो, बट फ्री में सिर्फ आपको दो लेना पड़ेगा, आप दो ही मैसेज ले सकते हो, तो
थर्ड विजिट पे क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा कि भाई इन यू कैन ओनली यूज टू कैच चैनल्स इन फ्री वर्जन, पेड किया तो तीन चार भी ले सकते हो उसमें। इसका जो भी अलाइनमेंट वगैरह होगा, जैसे इसको राइट में रखना तो राइट में होगा, अभी वेबसाइट के राइट में आ रहा है, अच्छा वेबसाइट के लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट करने के बाद इसको सेव कर दो, वेबसाइट को रिफ्रेश करो तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ये सब अपने हिसाब से कर सकते हो, इसको पर्पल नहीं चाहिए, कलर कुछ और चाहिए, रेड कलर चाहिए या ग्रीन कलर में चाहिए, ओके करो, सेव करो। तो भी ग्रीन कलर का हो जाएगा पर्पल कलर में, तो आपके वेबसाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो आप लगा सकते हो राइट। जैसे आपकी वेबसाइट का थीम ऑरेंज है तो आप कलर कर दो, फिर ये सब छोटे छोटे प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट को एनहांस करेंगे। इसका ग्रुप कॉमर्स में बताता हूँ मैट्रिक चलते हैं, इसमें आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे प्लगइन हैं, जैसे आपका ये मास्टर एडवांस है, तो ये भी जब आप ऐड करते हो तो देखो आपको इसमें फायदा होता है। जब आप एग्जैक्टली यहाँ पर ऐड करते हो ना, मास्टर एडवांस की वजह से यहाँ पर हैप्पी एडवांस की वजह से इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप इमेज का वजन और अच्छे से ले सकते हो, आप फॉर्म ले सकते हो, आप ड्यूअल एडिट ले सकते हो, ठीक है। इसमें और नीचा होता है हैप्पी एडवांस भी है, हैप्पी एडवांस में आप पूरा टीम मेंबर ऐड कर सकते हो, जो भी है ये सारे टूल भी आपको फ्री में मिल जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली कैसा है कि एलिमेंटर में काफ़ी सारी चीज़ें प्रो वर्जन में आती है, पोस्ट वगैरह डाल, तो ये सब चीज़ें अगर आपको फ्री में चाहिए तो फिर आपको एक्सटर्नल ये हैप्पी एडवांस प्रीमियम एडवांस ऐड करने पड़ेंगे आपको, उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और फ्री में मिल जाएगी, आपको थोड़ी बहुत डिजिट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, तो ये दोनों भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये प्लगइन है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये प्लगइन ऑलरेडी मेरे अपने वेबसाइट पे भी आ रहा है सेटिंग के लिए। इससे क्या है कि आप डायरेक्टली अपने मोबाइल पे एक ऐप भी आती है, उस ऐप से डायरेक्टली अपन अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं। कोई समझो मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है और वो डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर चैट कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली उसको अपने मोबाइल से रिप्लाई कर सकता हूँ। सब ये वाला मैंने सेम प्लगइन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, TAWK करके ट्रैक करके। तो ये प्लगइन जब यहाँ पे आया था चैट्स का, अब ये डायरेक्टली कोई यहाँ पे आया और उसने मुझे डायरेक्टली यहाँ पे बोल दिया हाय सिरल, तो मेरे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया हाय कर दिया। अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन करूँगा तो देखना मेरे यहाँ पे फोटो आ जाएगा, यहाँ पे जैसे इसको ज्वाइन करता हूँ मेरा फोटो आ गया, अब मैं भी इसको बोल सकता हूँ हेलो, ठीक है। अभी मेरी वेबसाइट पर जहाँ भी घूम रहा है ना मुझे चैट में लिखता है, जैसे इसने स्क्रीन को मिनिमाइज भी किया तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि कस्टमर मिनिमाइज योर चैट, विजिटर्स मिनिमाइज योर चैट, ठीक है। देखो वापस इसे ऑन किया, मैक्सिमाइज योर चैट, हाँ मिनिमाइज किया तो मिनिमाइज योर चैट, मैक्सिमाइज किया तो मैक्सिमाइज योर चैट। अभी यहाँ पे अबाउट फंक्शन पे आ गया, ये मेरे अबाउट पेज पे आ रहा है तो भी मुझे दिखेगा कि ये अबाउट पेज पे गया, तो अभी यहाँ पे अपडेट होगा कि ये अबाउट पेज पे आया नहीं आ रहा, तो ये ऐप सोचो फ्री वाला ऐप, पेड वाले ऐप में तो ये फंक्शन है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर वो माउस से भी स्क्रॉल मार रहा है तो उसका स्क्रीन आपके इधर मिरर होता है, उसका कहाँ पे माउस घूम रहा है वो भी आपको दिखता है स्क्रीन पर, इतना आप नेविगेट कर सकते हो वहाँ पर, राइट। तो इस टाइप का आपको नेविगेशन करना है। इसमें और एक प्लगइन है आपका पॉपटेन प्लगइन, पॉपटेन प्लगइन क्या करता है, अभी आपने देखा रहेगा दो बार मैंने वेबसाइट ऑन की एक पॉपअप आया था स्क्रीन पर, देखा था आपने स्क्रीन पर एक पॉपअप आया था, जैसे मेरा वेबसाइट ऑन हुआ, जैसे मेरा वेबसाइट ऑन हुआ एक पॉपअप आया, तो वो मैंने पॉपटेन के थ्रू लगाया हुआ है कि अगर किसी को मुझे किसी का लीड चाहिए या कुछ चाहिए तो वो उसके थ्रू मिलेगा, एक फॉर्म आता है आया, तो ये पॉपटेन करके प्लगइन उसके थ्रू आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वो प्लगइन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये सब आपका प्लगइन का गेम है, आपको जो जो फंक्शन चाहिए आप प्लगइन करो, आपको जैसा फील चाहिए, आपको जैसा एक टूल चाहिए या जैसा आपको लाइक आपका अच्छा होगा चाहिए वैसा आप प्लगइन ढूंढ लो, उस प्लगइन से आपका काम हो जाएगा। जैसे मैंने बोला पॉपटेन,
तो पॉपलेन का प्लगइन है एक, ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ये रहा, तो इसके अंदर मुझे एक ये लगाना है, क्या होता है, एक तो डैशबोर्ड में आता है उसके, तो जैसे अभी यहाँ पर मुझे तो डैशबोर्ड, ठीक है, यहाँ से मुझे क्या चाहिए, पॉपलेन चाहिए, मतलब एक पॉपअप चाहिए, तो किस चीज़ के लिए पॉपअप चाहिए, मैंने बोला कि एक पॉपअप चाहिए या एक फॉर्म लगाना, जैसे अभी मैंने एलिमेंटर में तो ऊपर एक फॉर्म लगा था, हाँ। ये भी पॉपटेन का ही है, तो मुझे फॉर्म चाहिए पॉपअप चाहिए, मैंने बोला पॉपअप चाहिए, तो पॉपअप चाहिए तो एक डिज़ाइन से आता है, सेल्स के लिए चाहिए, लीड्स के लिए चाहिए, बोला सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा कुछ ऑफर आ रहा है, ओनली फॉर अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट के लिए आ रहा है, इसको मैं क्या करूँगा, कस्टमाइज करूँगा और यहाँ पर मुझे इसका नाम देना, मैंने बोला कि जून ऑफर के लिए है अनाउंसमेंट के लिए, सेव करके मेरा डोमेन भी आ गया, यहाँ पर ये रहेगा तो आप डोमेन टेस्ट कर दो, फर्स्ट टाइम आओगे डोमेन आ गया, अब यहाँ पे आप बैठ के डिज़ाइन करो जैसे आपको उसको बनाना हो, तो लेकिन तो यहाँ पे मैंने बनाया, तो आ गया डिज़ाइन, आगे अब देखो डिज़ाइन चल रहा है फॉर सम ऑफर्स, ऑफर के लिए डिज़ाइन चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 10% है, तो 50% कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कर रहा है, तो जैसे यहाँ से बैक कर दो, यहाँ पर जाने से बैक कर दो, चलिए बैक हो गया, तो ये वो यहाँ पे तुम लोग आपको पूरा लेक एक्सचेंज करने का है, सारी चीज़ें बन जा सकते हैं, सारी सेटिंग्स करनी है, एक बार तुमने इस चीज़ को एडिट कर कर दिया, उसके बाद उसको नेक्स्ट करो, उसको बोलो, ठीक है, पब्लिश करने के पहले तुम उसको रूल ले सकते हो, इसको कब ट्रिगर होता है, सो मैंने बोला कि कोई भी मेरे वेबसाइट पे आकर 5 सेकंड तक रुकता है, तो वो पूरी वेबसाइट पे ये लिखना चाहिए उसको, ठीक है, पब्लिश, अब देखते हैं, शायद दो लगा हुआ है उसको, तो पहले एक आएगा फिर दूसरा एक आएगा, उसको नहीं रखना था, उसको बंद कर सकते हो, फिर इसको रखना था, उसको रखो, ठीक है, इसमें जो भी लीड कैप्चर होगी वो भी आपको इधर ही मिलेगी, जैसे आपका वेबसाइट आया इसमें किसी ने आपका मेल आईडी लगा दिया abc@gmail.com सब कुछ डाल दिया है और आपको लीड दे दिया, तो वो लीड आपको कहाँ मिलेगा, आपके पॉपटेन में मिलेगा, पॉपटेन में जाके आप क्लिक करो, यहाँ पे लीड का ऑप्शन है लास्ट में, आपका लीड सेंटर यहाँ पे लीड्स, तो लीड्स में जाओगे तो वो लीड आपको यहाँ पे कैप्चर होकर मिल जाएगा, आगे लीड पब्लिशिंग और भी जुड़ने लगते हैं, आगे
ये आपका दिया, तो आपको चाहिए तो वैसे आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा ठीक है। तो इसको लगाने का फायदा ये है कि जब भी कोई आपको वेबसाइट पर आएगा, आपको कुछ ऑफर वगैरह तो पॉपअप होगा, उसको इंटरेस्ट रहेगा, अपलोड करेगा। जैसे आप भी किसी वेबसाइट पर जाते हो तो अपने को दिखता है, उनके न्यूज लेटर आता है, तो हमें सब्सक्राइब करने का कुछ आता है, तो उस हिसाब से हम आपको बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्लगइन हैं, बट पॉपअप मेटर करते हैं, लाइव पर्सनली लाइक दिस पॉपअप है, ये मुझे अच्छा लगता है, तो इसमें थोड़े अच्छे क्रिएटिविटी वाली चीज़ें थोड़ी इसमें है, वो प्रीफर करता हूँ ठीक है। ये आप देख सकते हो, उससे आपको बहुत सारे प्लगइन मिलते हैं ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज के लिए इन पाँचों छः आठ प्लगइन पर गौर करो ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये वू कॉमर्स की चीज़ें बताता हूँ, लाइक वू कॉमर्स में कैसे आप प्रोडक्ट खुद तैयार कर सकते हो वेबसाइट पर, जैसे अभी ये मेरा वेबसाइट है तो इसका कैसे मैंने प्रोडक्ट सेल किया होगा ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट आप नॉर्मली शॉपिफाई वगैरह में तो बना सकते हो, लेकिन जब आपको वर्डप्रेस पर डालना है सो यू रिक्वायर्ड वू कॉमर्स, तब आप ऐसे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। ये मैं आपको बता दूँ, अभी जो मैंने आपको प्लगइन बताया ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए कि कैसे ऑपरेट होता है ठीक है। मैं चाहता हूँ आप ये प्लगइन पर वर्क करें, ये वाला आप इंस्टॉल करते रहो, क्योंकि ये तो मैंने बताई दिया है, ये भी बताई दिया, ये भी बताई दिया, ये भी बताई दिया, मैं चाहता हूँ इस पर वर्क करूँ, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँ ठीक है। कुछ बनाए आपके साइड से।